ये तो लोगों का भ्रम है कि हमारी जाति का नेता जीतेगा तो मेरा या मेरे परिवार मेरे समाज का भला होगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पिछले 40-50 सालों में करीब करीब हर जाति के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। आप सिर्फ जाति के नजरिए से देख लीजिए, सबसे लंबे समय से अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 18 साल हो गए। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो उनके जाति के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो धानुक समाज के लोग हैं, या जिन अति पिछड़ों के बल पर नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय तक महादलित के वोट पर जिनके बल पे वो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन समाज के लोगों का, उनके बच्चों का भला हो गया? अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबी से पलायन करने वाले लोग तो वही लोग हैं जो उनको वोट कर रहे हैं, चाहे वो महादलित समाज के हों, अति पिछड़े समाझ के हों, कुर्मी धानुक समाज के हों। मांझी जी 1 साल तक मुख्यमंत्री थे, तो क्या बिहार में मुसहरों की समस्या सुधर गई? क्या मुसहर समाज का 10 बच्चा भी अच्छी पढ़ाई मिली ऐसा दावा कर सकता है? लालू जी, उनका परिवार करीब करीब 15 साल तक सत्ता में रहा है बिहार में, यादवों से भी ज्यादा वोट उनको मुसलमान देते हैं, और बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब पिछड़े फटेहाल बदेहाल मुसलमान है। और आप यादवों की बात उठा लीजिए, कई लोगों को लगता है कि बिहार में यादवों का राज है। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूँ, पिछले 32 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या अगर किसी एक जाति विशेष की हुई है उसमें यादवों का नाम आएगा। आप हमारे साथ चलिए, बिहार के यादव समाज के गाँव में चलिए और देखिए कि उन गाँव की क्या स्थिति है। लालू जी ने समाज के कई वर्गों को, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं लोग, मैं अगला पिछड़ा तो नहीं समझता हूँ, लेकिन जिनको समाज पिछड़ा वर्ग कहता है, 90 के दशक में उन समाज के लोगों को लालू जी ने आवाज दी, और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन लालू जी ने जिस समाज के बच्चों को आवाज दी, जिस समाज को आवाज दिया, उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कराई। लालू जी ने अति पिछड़ा पिछड़ा यादव समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए कभी जमीन की व्यवस्था नहीं की, उनके बच्चों के लिए रोजी रोजगार, फैक्ट्री, पूंजी की व्यवस्था नहीं की। तो जब तक आप और हम ये नहीं समझेंगे, तब तक आप इसी माया जाल में फंसे रहिएगा कि नेता हमारी जाति का जीत जाएगा तो हमारा भला होगा। और ये बात सिर्फ लालू जी के लिए, कोई कुशवाहा जी के लिए, मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, मांझी जी के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जाति की जो राजनीति है, नेता नहीं करता है जात की राजनीति। ये तो आपका भ्रम है। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं कि लालू जी जात की राजनीति कहाँ कर रहे हैं। अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में हर हालत में कोई यादव समाज का ही लड़का मुखिया बनेगा, सारे यादव समाज के लोग आप लोग वोट हम लोग को, लालटेन को दीजिए। लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हर हाल में मेरा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा, सारे यादव समाज लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जाति की राजनीति कहाँ हुई? ये तो बच्चे की राजनीति हुई, ये तो अपने परिवार की राजनीति हुई, अपने स्वार्थ की राजनीति हुई। जाति में तो आप और हम उलझे हैं। कोई मिश्रा जी हैं, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई मांझी जी हैं, कोई पासवान जी हैं। जो जिस जाति का नेता है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए हैं। नेता जाति की चिंता नहीं कर रहा है, नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। तो मैं जनसुराज में इतना ही बता रहा हूँ कि भाई, अगर लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है, पासवान जी को अपने बच्चों की चिंता है, मांझी जी को अपने बच्चों की चिंता है, तो मेरे भाई एक बार तुम भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। क्योंकि अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो लिख के रखो, चाहे मिश्रा जी जीत जाए कि कुशवाहा जी जीत जाए, नदीम जी जीत जाए कि नौशाद जी जीत जाए, यादव जी जीत जाए कि कुशवाहा जी जीत जाए, तुम्हारे बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। नेता का बच्चा इसी गरीब बिहार में हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, और जनता का बच्चा जो है उसके पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। नेता का लड़का 10वां नहीं पास किया है, वो बिहार का राजा है। आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए। तो जनसुराज अभियान में आपको यही बता रहे हैं कि भाई मेरे, आपने जाति पर वोट दिया, आपने विचारधारा पर वोट दिया, आपने दल पर वोट दिया, आपने नेता का चेहरा देखकर वोट दिया, आपने मोदी को हराने के लिए लालटेन को जलाया, लालटेन को रोकने के लिए मोदी का कमल खिलाया। एक बार प्रशांत किशोर की बात मानो, एक बार अपने बच्चों का चेहरा खिले, अपने बच्चों का जीवन सुधरे, इसलिए अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। और अगर दोगे तो चाहे यादव को दो या मुसलमान को दो, दलित को दो कि ब्राह्मण को दो, आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। क्योंकि
जो बात मैं बता रहा हूं, लोकतंत्र में आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए देते हैं इस बात का महत्व है। अगर वोट आपने 5 किलो अनाज के लिए दिया है तो भी बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। जिस दिन बिहार के लोगों ने अपहरण रंगदारी के खिलाफ नीतीश को वोट दिया, तो चाहे बिहार में जितना बदतर स्थिति हो, अपहरण का उद्योग रुक गया। जिस दिन बिहार के लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, तो इसी नीतीश कुमार के बदहाल बिहार में और कुछ हो या ना हो, घर घर बिजली आ गई है। जिस दिन पूरे देश के लोगों ने राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए वोट दिया, तो आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लगी हो न लगी हो, सड़क विद्यालय अस्पताल बना हो न बना हो, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में देश में बड़ा विकास किया है, तो गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में सूरत में नौकरी कर रहे हैं। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस बात को आप समझिए। जिस बात के लिए भी आप वोट दीजिएगा, मोदी को दीजिए, नीतीश को दीजिए, लालू को दीजिए, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो काम थोड़ा कम या ज्यादा आपका होगा। बिहार में 18 महीना की पदयात्रा में 5,000 गांव में मैंने जाकर लोगों को एक सवाल जरूर पूछा है कि अपने बच्चे के हाथ सर पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुमने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। आज तक 5,000 गांव में किसी एक व्यक्ति की भी हिम्मत नहीं पड़ी जिसने ये कहा हो कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट दिया। तो भाई जिस चीज के लिए वोट दिया वो मिल रहा है, और जिस चीज के लिए वोट नहीं दिया वो नहीं मिल रहा है। इतनी बात बता रहे हैं।